मंदिर तोड़े, माँ बहनों की इज्जत लूटी। जयपुर के सबसे फेमस जो होटल है ताज, ओबेरॉय, उदय विलास और लीला, सारे इसी लेक के हैं या लेक फेसिंग है। भाई क्या हो रहा है भाई? अरे 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 भाई, ये पीछे अपनी मैम है, इन्होंने अपन को समझाया था पूरा। गाइस ये होटल का पूरा नीचे पुशअप कंपटीशन चल रहा है देखो। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई कैसे हो सारे के सारे? तो भाई मैं एकदम बढ़िया, और अभी सुबह के 9 बज चुके और हम रेडी हो चुके हैं। देखो पूरा रेडी हूँ मैं भी, और निकलने वाले अपनी अगली ट्रिप के लिए जो कि है डेस्टिनेशन हमारा उदयपुर, इस बार द सिटी ऑफ लेक्स। तो इसे रिवील कर रहा हूँ पहले, तो लेट्स गो। सबसे पहले बाथ एरिया वगैरह सब, और ये इंटरकनेक्टेड रूम्स अपने दोनों, और ये बेड सबको पता है बेड, और ये हमारा एज यूजुअल सेक्सी मिरर्स, और टीवी देख लो भाई, सोफा कम बेड, और यहाँ से तुम्हें मिलेगा सिटी व्यू एकदम शानदार। ये देखो ये है ना सिस्टम बोलते इसको भाई, बस दिल खुश हो गया भाई। फुल स्पॉट जो की है सहेलियों की बाड़ी, तो फिर लेट्स गो। सो गाइस करेंटली मैं आ चुका हूँ सहेलियों की बाड़ी में, बिल्कुल अभी धूप नहीं हो रही है, अच्छा वेदर हो रहा है और बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे, वाटर है, पीसफुल प्लेस है, तो तुमको दिखाता हूँ अभी। सो गाइस दिस इज़ द एंट्री टिकट, 20 rupees ओनली। तो लो गाइस हम तो देखने आए थे, बट यहाँ तो पानी साफ चल रहा है, सफाई हो रही है, क्लीनिंग चल रही है, पानी खाली है पूरा। जाने क्या कहूं, उस पे क्या लिखा है? तो गाइज ये है पूरा सहेलियों की पहाड़ी, पूरी ग्रीनरी है भाई, बहुत ही नेचर लवर्स और तुम्हारी एस्थेटिक सिनेमैटिक वालों, तुम लोगों के लिए बेस्ट प्लेस है फोटोग्राफी और के लिए। और उदयपुर आ रहे हो तो सहेलियों की पहाड़ियों को भाई गलती से भी मिस मत कर देना यार। सो गाइज ये उदयपुर में चौपाटी है, सुखाड़िया सर्कल के पास है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है यहाँ का, और सीटिंग वीटिंग सब कुछ अच्छी है, हमने भी अभी ऑर्डर किया है यहाँ पे। ये देखो गाइज रेट भी एकदम जेन्युइन है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन रेट है, चेकआउट कर लो पॉज करके वीडियो एक बार। सो गाइज फाइनली अपना आ गया खाना, ये पाव भाजी, समोसा चाट, डोसा खा लिया है, छोले भटूरे और छोले कुलचे। सो गाइज मैं हूँ सुखाड़े सर्कल के पार्क में, देखो पीछे सनसेट हो रहा है मेरा, और बोटिंग हो रही है, ब्यूटीफुल मतलब नज़ारे है पानी में जो बना हुआ है, स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गाइज हम बोटिंग करने जा रहे हैं, तो 4 seater बोट है, 200 rupees में टोटल, तो दो लोगों को पैडल करना है, दो लोग चिल करेंगे, तो मुझे और श्रेया को करने होंगे पैडल। फिर अंदर चल, थोड़ा लगता है वैसे भी अंदर जाने में कहीं बोट उल्टी ना हो जाए इसकी जाती। गाइस ये होटल का पूरा नीचे पुशअप कंपटीशन चल रहा है देखो, भाइयों के साथ सुल गए, भाइयों से लग नहीं पा रहे, और वैसे भी हम लोग थक चुके हैं, देखो तुम्हें थके हुए लोगों का डेमो दिखाऊं। भाई क्या हो रहा है भाई? अरे 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 भाई, हमारे यहाँ ऐसे चलता रहता है, कोई बात नहीं। सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं अभी उठा हूँ भाई, गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो गाइस करंटली अप फॉर स्विमिंग, तो जाएंगे पानी के अंदर, और गर्मी भी हो रही है, तो फिर लेट्स गो। सो गाइस रेडी हो चुके हैं, अभी जा रहे हैं लंच करने के लिए, और वेदर बाहर बहुत सेक्सी हो रहा है, तो फिर लेट्स गो, पिक्चर का माहौल देखो कितना सही हो रहा है। सो गाइस आज लंच में खाएंगे गुजराती थाली, ये देख लो। सो गाइस करेंटली मैं आ रखा हूँ महाराणा प्रताप गौरव केंद्र में, तो यहाँ पे देखो अच्छी अच्छी चीज़ें तुमको दिखाता हूँ अभी। ये देखो भाई सबसे पहला है यहाँ पे लाइव सीन्स ऑफ प्रताप विक्ट्री इन हल्दीघाटी, मतलब स्क्रीन के ऊपर तुमको लाइव विजुअल दिखाएंगे हल्दीघाटी वॉर की। और एक ये है महाराणा प्रताप एग्जीबिशन एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, तो ये भी हम डॉक्यूमेंट्री भी देखेंगे, तुमको दिखाऊंगा कैमरा लगा हुआ तो। और ये लाइट शो है, ये देखो, और देखो 160 rupees टिकट है, अभी अंदर चलते हैं। सो गाइस ये है आपका फोटोग्राफी एरिया मेरे पीछे,
बाला प्रताप का स्टैचू है, चेतक का स्टैचू है, बहुत सारे स्टैचू है फोटोज के लिए। ये देखो भाई सामने कितना भाई सेक्सी वेदर हो रहा है, देखो क्या ब्यूटीफुल प्लेस है यार ये प्रताप केंद्र, तो आना बनता है उदयपुर आ रहे हो तो भाई जगह का इस फोटो वोटो चल रही है। तो गाइस यहाँ पे आओगे तो आपको 10 मिनट स्टार्टिंग में दी जाएगी फोटोग्राफी के लिए, और एक ऑटोमेटिक आपको गाइड हायर कर दिया जाएगा जो आपको पूरी प्लेस घुमाएगा। तो सबसे स्टार्टिंग में आपको एंट्री होते हुए राइट साइड में आप देखिएगा, बीच में बैठे हुए महाराणा प्रताप उनके सहयोग तो गाइस करंटली आ चुके हैं अंदर से हल्दी घाटी का, जो भी पूरी स्टोरी है पूरी समझाई जाएगी विजुअल पे नहीं, लेकिन आपको गाइड मिलेगा वो आपको समझाएंगे अंदर, तो मजा आएगा। वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है बस, तो ये पिक्चर नहीं मैम है, इन्होंने अपन को समझाया था पूरा। दिल्ली की सल्तनत औरंगजेब के हाथ में आ गई, उसकी क्रूरता रंग दिखाने लगी, उसने अत्याचारों का अंबार लगा दिया, मंदिर तोड़े, माँ बहनों की इज्जत लूटी। तो गाइस ये शॉप है, यहाँ पे शरबत वगैरह बहुत अच्छा है, पान का शरबत पी सकते हो और गुलाब का पी सकते हो, हमने तो एक रोज़ वाला ले लिया यहाँ से। सो गाइस ये देखो यहाँ पे मेवाड़ के सारे 9 मंदिर हैं, छोटे छोटे सारे बने हुए हैं, तो एक एक करके समझ आते हैं। चरण वंदना करते हैं, यहां गगन चुंबी पर्वतों से प्रवाहित होने वाली प्राचीन नदियां गंगा यमुना सरस्वती। तो गाइस करंटली आई एम एट द फतेह सागर लेक इन उदयपुर, तो भाई देख लो पीछे कितना ब्यूटीफुल है यार, हवा अच्छी चल रही है एकदम, तो अगर उदयपुर आ रहे हो तो बहुत प्यारी जगह है, इसमें तुम्हें आना चाहिए। उदयपुर के सबसे फेमस जो होटल है ताज, ओबेरॉय, उदय विलास और लीला सारे इसी लेक के हैं या लेक फेसिंग है, तो ये बहुत फेमस लेक है यहाँ का। सो गाइस फाइनली डन विद द फतेह सागर लेक और अब जा रहे हैं वापस होटल पे, पूरा घूम लिया बढ़िया से, फोटोज वोटो सब आ गई है, पीछे व्यू देख लो, तो अब चलते हैं। सो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, उदयपुर में तुमको घुमाई बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह घुमा दी, तो भाई देखो उदयपुर अगर आ रहे हो तो सबसे पहले यार तुम प्रताप गौरव केंद्र जाना, महाराणा प्रताप की हिस्ट्री, हल्दी घाटी वॉर की हिस्ट्री, इंडिया की इंपॉर्टेंस, इंडिया की हिस्ट्री सब कुछ उसमें कवर्ड है भाई, मज़ा आ जाएगा तुम्हें विजुअल शोज और परफॉर्मेंसेस देख के वहाँ पे। और तुम जाना भाई फतेह सागर लेक पे, और तुम जाना सहेलियों की बाड़ी में भाई, भाई यही उदयपुर का मेन जगह तो यही है, सिटी पैलेस हो गया। तो ठीक है गाइस फिर मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, कल हम जा रहे हैं नाथ द्वारा के लिए, तो फिर टर्न डाउन रहना वो देखने के लिए भी। ठीक है भाई फिर, ठीक है व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट डाउन कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे भाई को थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ा दो। ओके तो फिर बाय बाय, गुड नाइट, बोल बाय।